और देखिए जोशीमठ से आई खबर का रुख करते हैं। जमीन धंसने की पड़ताल कर रहे इसरो के वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाली बात कही है, जहां जोशीमठ में सिर्फ 12 दिन के भीतर 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की है। तबाह हो जाएगा जोशीमठ शहर। जोशीमठ को जिंदा बचाने की मुहिम बेकार जाएगी। क्या नहीं बच पाएगा शंकराचार्य का शहर? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जोशीमठ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की, जिनके मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर नीचे चली गई है। हैदराबाद स्थित NRSC ने धसते क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में सेना के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर समेत पूरे शहर को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जमीन धसने की प्रक्रिया काफी धीमी थी और इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धस गया था, लेकिन 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच जमीन धंसने की प्रक्रिया तेज हुई और महज 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रवि कैंतुरा के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर वैज्ञानिकों का बयान सामने आया है। इसरो के वैज्ञानिकों का सुझाव है, जोशीमठ को बचाना है तो घर खाली कराने ही होंगे। ये बड़ी खबर है। इसरो की ओर से न सिर्फ तस्वीरों को जारी किया गया है, उन तस्वीरों का विश्लेषण किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर के वैज्ञानिकों की यही नसीहत है, यही सलाह है कि जोशीमठ को अगर बचाना है तो घरों को खाली करना होगा। जो बेस है वो एक्चुअली सैंडी रॉक्स और मिट्टी और बोल्डर्स इनके ऊपर थी। अब वो क्योंकि पानी का रिसाव हुआ है, पानी की वजह से मिट्टी खिसक गई है, तो नेचुरली वहाँ पर गैप हो गया है। जब गैप हो गया है तो वो बिल्डिंग, वो रॉड, जो रोड, जो और बाकी स्ट्रक्चर है वो सब धंसा है। साथ साथ जहाँ क्रैक आई है वो क्रैक बढ़ी है, तो नेचुरली जब नीचे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तो ये तो होना ही है, ये डेफिनेटली है। और इसीलिए अभी हमें जो है जल्दी से जल्दी लोगों को हटाना है। तो जोशीमठ के दो बड़े होटल्स को गिराने की कार्रवाई चल रही है। होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराया जा रहा है। कल दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, जो आज भी चल रही है, मगर होटल को गिराने में अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस जगह पर होटल है वहां पर आबादी वाला इलाका है। इसीलिए हथौड़े की मदद से यानी मैनुअली पूरे होटल को तोड़ा जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई की बात करें तो CBRI के विशेषज्ञों की देख रेख में किया जा रहा है। इसे दोनों होटल्स की बिल्डिंग के ऊपर से भार धीरे धीरे कम किया जा रहा है। पहले ग्लास, लकड़ी और लोहे के टिन का सामान हटाया जा रहा है, उसके बाद स्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। पे आएंगे तो खिड़की, कई शीशे की खिड़की है या लकड़ी के खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उसको पहले उतारा जाएगा। तो स्लोली हम लोड रिलीज कर रहे हैं और उसके बाद जो हमारा नॉन लोड बियरिंग, मतलब जैसे दीवार है, दीवार पे कोई लोड नहीं आता है क्योंकि ये एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, तो नॉन लोड बियरिंग वॉल्स हुआ या बाकी जो चीज़ें उसको कट करके निकालेंगे, ताकि लास्ट में जो है सिर्फ फ्रेम बचा रहेगा।
जो लोड बियरिंग फ्रेम्स बचे रहेंगे, और दूसरा एक हमारा जो सोचे हैं क्योंकि पहाड़ का झुकाव उस तरफ है तो उस तरफ से लोड रिलीज करेंगे, ना कि इस तरफ से। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विनोद कुमार का और जानकारी लेते हैं कि अब किस तरीके से होटल को डिमोलिश करना इतना आसान नहीं है, मैनुअली हथौड़े की मदद से तोड़ा जाना है, और किस तरीके की चीजें हालात को देख पा रहे हैं विनोद? देखिए अभी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की के देखरेख में ये जो दोनों होटल हैं उनको तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि मलारी इन और माउंट व्यू जो दोनों अगल बगल वाले होटल हैं उनको अभी तोड़ने का काम कल से ही शुरू हो गया था, लेकिन कुछ मौसम के कारण काम बंद करना पड़ा। आप देख पा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं जिनमें मजदूर ऊपर से टीन हटाने का काम कर रहे हैं, यानी दोनों होटल को तोड़ने का काम एक साथ शुरू हुआ है। यानी अगर एक होटल को तोड़ा जाता है तो दूसरे का वेट एक दूसरी तरफ आएगा तो बड़ा खतरा हो सकता है। आप देख पा रहे हैं कि NDRF हो, SDRF हो, तमाम स्थानीय पुलिस बल हो, उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और डेंजर जोन इस पूरे परिसर को घोषित किया गया है। और तमाम जितने भी यहाँ पर 760 ऐसे घर हैं जिनमें क्रैक्स आए थे और 128 घर खाली घरों पर रेड क्रॉस यानी डेंजर जोन उनको घोषित किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि करीब 159 ऐसे फैमिली हैं जिनको सरकार की तरफ से विस्थापित कर दिया गया है और जो राज्य सरकार की तरफ से फौरी तौर पर एक सहायता उनको दी गई थी। 1.5 लाख का जो चेक है आज से वो वितरण भी होने लगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही कचहरी में कई ऐसे जो आपदा पीड़ित परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, उनको चेक बांटे गए हैं। और दूसरी तरीके की अगर बात करें तो दूसरी हिस्सा है, आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये मलारी इन और माउंट व्यू दोनों होटल को तोड़ने का क्रम यहाँ पर मजदूरों के माध्यम से जारी है, तो इस जो नीचे की तरफ का जो एरिया है कुछ जगहों पर जहाँ पर क्रैक्स थे उन घरों को खाली करा दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से एक युद्ध स्तर पर ये कार्य चल रहा है लेकिन खतरा अभी बिल्कुल बना हुआ है, कोई ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से मलारी इन हो, माउंट व्यू हो, क्योंकि दोनों होटल आपस में टकरा गए हैं और इस लिहाज से बिल्कुल विनोद, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे इन दोनों होटल्स को गिराया जा रहा है। आगे बड़ी बात करेंगे, जोशीमठ में होटल तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, वहां दिखाते हैं आपको एबीपी गंगा के सहयोगी रवि कैतुरा की एक खास रिपोर्ट। जोशीमठ में मलारी इन और माउंट व्यू होटल को डिसमेंटल करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। सामने ये दो होटल हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और दोनों होटल को एक साथ डिसमेंटल किया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि दोनों होटल एक दूसरे पर टिके हुए हैं, इस वजह से पहले एक एक करके नहीं बल्कि दोनों को धीरे धीरे करके ऊपर से लोड कम किया जाएगा और दोनों होटल को धीरे करके मैनुअल तरीके से डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर तमाम जो SDRF के लोग हैं, NDRF के लोग हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से हैं ताकि अगर ये धंसता है या किसी तरीके की घटना होती है तो वो उस वक्त पूरी तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू कर सकें। लेकिन एक बड़ा खतरा जो है वो ये बना हुआ है कि जहाँ पर ऊपर डिसमेंटल कार्रवाई मैनुअल तरीके से इसी वजह से की जा रही है क्योंकि नीचे देखिए आप, होटल के नीचे अगर आप जाएंगे तो एक बड़ी कॉलोनी है जहाँ पर भी पूरी दरारें थी। हालांकि यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जो आसपास के कुछ लोग हैं, आप छतों में देखेंगे नीचे वहाँ पर कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा ख़तरा है क्योंकि तमाम यहाँ पर मकान है और नीचे तक बहुत बड़ी कॉलोनी है। इसी के नीचे सिंगदार है जहाँ पर ज़्यादा इस तरीके की दिक्कतें आई थी, उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ JP कॉलोनी है जहाँ पर भी इस तरीके की दिक्कतें देखी गई थी। तो ये पूरा जो पैच है और यहाँ पर जिस तरीके से मैनुअल काम चल रहा है, यही वजह है कि जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो विशेषज्ञ हैं वो यही बता रहे हैं कि इसको बहुत मैनुअल तरीके से और बहुत अनुभव के साथ जो है यहाँ पर इसकी डिसमेंटल की कार्रवाई होगी ताकि ये किसी भी तरीके से धसाव की स्थिति में ना जाए। तो देखिए, जोशीमठ को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ में फिलहाल किसी भी प्रकार से घरों को नहीं तोड़ा जा रहा है, सिर्फ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहां जहां भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता उनको शिफ्ट किया जा रहा है, और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपये की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है, कल से ही प्रारंभ हो गई है।
और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है, वहां पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। जोशीमठ में जमीन धंसने से बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है, इसीलिए लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए बीपी गंगा के संवाददाता रवि कैंथरा की रिपोर्ट। जमीन में पड़ी ये बड़ी बड़ी दरारें दहशत पैदा कर रही हैं। ये दरारें कई फीट चौड़ी हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय में ही दरारों की चौड़ाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। जोशीमठ शहर में जिस तरीके का भूधसाव हो रहा है उसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत चौड़ी जो दरार है वो यहाँ पर है और ये दरार यहाँ से लेके बहुत नीचे तक पूरी पड़ी हुई है और इतनी चौड़ी दरार है कि लोग जो ऊपर के घर हैं वहाँ पे काफ़ी घर जो है वहाँ पे कई बुरी तरीके से टूटे हुए भी हैं, उन वहाँ पर उनकी दीवारें भी टूटी हुई हैं और इधर आप देखेंगे तो इधर एक पूरी दरार है और ये दरार यहाँ से शुरू होके तकरीबन कई सौ मीटर नीचे तक जो है एक हिस्से में ये पूरी दरार यहाँ पर पड़ी हुई है। तस्वीरें जोशीमठ के ही एक इलाके की है। यहाँ खतरा इस बात को लेकर है कि ये बड़ा पत्थर जाने कब नीचे गिर जाए जिसकी चपेट में कई मकान आ सकते हैं। नीचे को तो नुकसान होगा होगा लेकिन ऊपर से भी जो घर है एकदम खड़े देखिए आप कितनी चढ़ाई में है ऊपर तक, ये सारे जो है मेरे इस घर का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। खेती बाड़ी तो रही वैसे हम कृषि हैं लेकिन कृषि का भी कोई मतलब नहीं रहा, वो आपने देख लिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं नाती पोते हैं, इनका क्या होगा, ये रात को नींद नहीं आती, सुबह हम सोचते हैं कि नया सवेरे कैसे होगा, हम जीवित रहेंगे या नहीं, अपने बच्चों को संभाल पाएंगे या नहीं, ये सिचुएशन हमारी बहुत विडम्बता पड़ी हुई है। घरों में दरारें आने से लोग अपने मकान खाली कर रहे हैं, एक एक कर घर में जो सामान जमा किया था अब उसे सुरक्षित निकालने की चिंता है। इस समय जिसे जहां सुरक्षित ठिकाना मिल रहा है वो वहां शिफ्ट हो रहा है। प्रभावितों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सभी को सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही है। ऐसी दरारे मरारे आए थे उसमें, तब क्या करे जी, छोड़ना ही पड़ेगा हमको, बच्चे लेके शिफ्ट रहना ही पड़ेगा। तो क्या सरकारी मदद मिली है? कुछ कुछ नहीं मिला है सर, क्या करे, जाओ जाओ बोले क्या करते, तो घर खाली करके आ गए। प्रशासन ने लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि वो अपने घर खाली कर दें क्योंकि इन घरों में रहना सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से लोग अपने घरों से बेहद जरूरी सामान निकाल कर दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी कहना मुश्किल है कि यहाँ कब लौटना होगा, इसलिए लोग सभी कीमती सामान लेकर जा रहे हैं। प्रशासन का आदेश आया है कि आप अपने घरों से अपना सामान खाली करवाइए, तो सर अभी हम अपना सामान खाली कर रहे हैं लेकिन समस्या ये है कि क्योंकि जो हमारा सामान है पूरे जिंदगी भर की पूंजी वहाँ जुड़ी हुई है, बहुत सारा सामान है, लेकिन अभी अपना सामान हम कहाँ शिफ्ट करें, ना तो अभी प्रशासन की तरफ से हमें कोई जगह बताई गई है जहाँ हम अपना सामान शिफ्ट कर सकें, लेकिन अभी फिर अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम जैसे तैसे कहीं किराए के कमरे लेके वहाँ अपने सामान को डाल रहे हैं ताकि वो सामान सुरक्षित रह सके हमारा। जरा सोचिए, हंसते खेलते सैकड़ों परिवार अचानक सड़क पर आ गए हैं, सर्द मौसम है, ऐसे में लोगों के सामने बड़ी परेशानी। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रवि कैंथुरा के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां से पल पल की अपडेट दिखा रहा है। अब आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा के संपादक रोहित सिंह सावल की ये स्पेशल रिपोर्ट। जोशीमठ के कई इलाकों में आजकल एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, खास तौर पर जिस घर के बाहर ये लाल निशान लगा है इसका मतलब ये है कि ये मकान को खाली करवाना होगा, करना होगा इस मकान को। तो ये लाल निशान खतरे का एक बड़ा संकेत है कि ऐसे घर के बाहर हमें, जिस लाल निशान मैंने आपको दिखाया, और ये देखिए इस घर में जो दरारें हैं, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि किस तरह से इस घर में दरारें आ चुकी हैं। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से दो हिस्सों में, ये पूरा मकान दो हिस्सों में अलग होता हुआ आपको साफ तौर पर दिखेगा। हालांकि इस मकान को खाली करवा लिया गया, आप ऊपर भी देख सकते हैं लगातार दरारें हैं इसमें, और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, और
ये यहाँ से लेकर और इधर देख सकते हैं आप, और साथ ही साथ पूरा फर्श, यानी ये कभी भी गिरने की स्थिति में, और ये लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसमें जो लोग रहते थे उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, और यहाँ पर राहुल हमारे साथ मौजूद है। राहुल इधर आइए आप। जी सर। आप, ये आपका मकान है? जी सर। कब ये मकान बना था? सर 2015 में मकान बना था ये। हाँ। और अभी ढह चुका है, देख सकते हो आप लाइव। तो कौन कौन रहता था घर? कौन कौन? मम्मी थी, पापा थे, पापा गुजर चुके हैं मगर मम्मी है, भाई है। ये तो सब लोग कहाँ हैं अभी? अभी सब लोग शिफ्ट हो चुके हैं सर। कहाँ पे रखा गया आपको? इधर ही काली कमली है, धर्मशाला में, वहाँ शिफ्ट है। धर्मशाला? जी सर। तो आप यहाँ क्या करने आते हैं? क्योंकि हम तो जब गुजर रहे थे हमने देखा कि दरवाजा खुला, तब हम यहाँ पर सर रुके। मेरा रूम है सर। हाँ? बच्चों के कपड़े कुपड़े कई चीजें। क्या 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 लेने आए थे आप? ये कपड़े हैं सर बच्चे के, थोड़ा एक बेबी है मेरा जी, 8-9 महीने का। 8-9 महीने का बच्चा जी सर। तो आप उसके कपड़े लेने आए? जी सर। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अपने घर का जो सामान है, ज्यादातर सामान ले गए आप यहाँ से? सर अभी तो आप देख सकते हो, लाइव दिखा सकते हो आप, पूरा सामान अंदर ही पड़ा है हमारा, इधर भी है उधर भी है। अभी खाली शिफ्ट होकर हम, जो सामान है सोने का और खाने का है, बाकी वही है। तो क्या बोला आपको किसी ने, बोला कुछ कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा? सर बोल तो रहे हैं, देख रही सरकार, देख रही, मगर सरकार क्या करेगी, कितनों को देगी सरकार भी, वो भी मायूस हो जा रही है। देखिए बहुत व्यवहारिक बात कर रही है, इनका कहना है कि इतनी मेहनत से घर बनाया। पिताजी क्या करते थे आप? पिताजी ऐसी मजदूरी करते थे सर। आप देखिए मजदूरी करके ये इतना बड़ा घर इन्होंने बनाया, इनके पिताजी ने बनाया और बड़े शौक से घर बनाया, लेकिन आज ये पूरा घर इनको खाली करना पड़ा और ये लाल निशान इनके घर के बाहर लगा दिया गया। अब आगे क्या, कितने दिन हो गए आपको वहाँ पर? सर मेरे को तो अभी कल परसों शिफ्ट हुए, 2 दिन हुए अभी, 2-3 दिन हुए। अरे राहुल हौसला रखिए आप, उम्मीद जरूर करेंगे, और आपकी बात सरकार तक, प्रशासन तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। जी हम भी नवयुवक बंदे हैं सर, ऐसे नहीं कोई जॉब हमें नहीं आता होगा, मगर सरकार हमको नहीं देती है ना सर, जो बड़ा आदमी उन्हें देती है, गरीब की कोई नहीं सुनता है। देखिए इनका कहना है, इनका दर्द आपने सुना कैमरे पर सुना, कि इनका कहना है कि गरीब की कोई नहीं सुनता, लेकिन बिल्कुल हम चाहेंगे कि एबीपी गंगा के जरिए, ये राहुल अकेले राहुल की कहानी नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों परिवार है जिनकी यही कहानी है, मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठा किए, फिर एक घर बनाया और आज ये घर खाली करना पड़ रहा है, और अपने बच्चों के कपड़े, बच्चे 7 महीने का बच्चा है राहुल का, इसके कपड़े लेने आज इस घर में यहाँ पर आया हुआ है। तो जोशीमठ में ये दर्द कई परिवार झेल रहे हैं, और ये एक ऐसा दर्द है जिसका अंत अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। बड़ी खबर मिल रही है कर्णप्रयाग, आपदा प्रभावितों को दिए गए नोटिस, प्रशासन ने घर को खाली कराने का नोटिस दे दिया है। बहुगुड़ा नगर के इलाके में 50 से ज्यादा घरों में दरार की स्थिति है, ऐसे में इन्हें नोटिस दे दिया गया है, जल्द घर खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है प्रशासन की ओर से। ये खबर है कर्णप्रयाग, आपदा प्रभावितों को नोटिस दिया जा चुका है, जल्द से जल्द घर को खाली करें। यानी कर्णप्रयाग में भी जोशीमठ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, यहां पर भी घरों में पड़ रही दरार को देखते हुए प्रशासन ने यह नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस के दायरे में 50 से ज्यादा घर आए हैं जिनमें दरार की स्थिति देखते हुए इस घर को खाली करने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, प्रशासन की ओर से नोटिस दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा प्रभावितों से मिल रहे हैं, मगर धामी सरकार के मंत्री नदारद हैं। नदारद रहने वाले मंत्रियों के नाम की बात करें तो धन सिंह भी उसमें शामिल है। कांग्रेस इस मुद्दे को तूल दे रही है, धन सिंह रावत चमोली जिले के प्रभारी मंत्री हैं, हालांकि मंत्री इस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। तो देखिए मंत्रियों के नदारद होने पर सवाल कांग्रेस भी उठा रही है कि मुख्यमंत्री तो पहुंच गए ग्राउंड जीरो पर, रात्रि विश्राम भी किया, रुक करके लोगों से देखा, वहां पहुंच करके पूजा पाठ की, दुआ की और बातचीत की, लेकिन मंत्री कहां है? खासकर प्रभारी मंत्री के नाम पर आवाज उठा रही है कांग्रेस, जबकि धन सिंह रावत अपने तरीके से अपना बचाव करते हुए सफाई देते नजर आ रहे हैं। जब से जोशीमठ की घटना हुई तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ 2 बार चले गए हैं, प्रधानमंत्री जी पूरे जो है वहाँ निगरानी में पूरा वो जो है देख रहे हैं, भारत सरकार की टीम वहाँ गई है, प्रदेश अध्यक्ष जी और मेयर सांसद जी वहाँ खुद होके आ गए हैं, और कल ही मुख्यमंत्री जी और मेरी बात हुई कि अब 3-4 दिन कैंप में खुद वहाँ करने जा रहा हूँ। अब रात्रि को तो स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री अभी कोई रात वहाँ रहे नहीं, आगे से उनको निर्देशित किया गया कि वो वहाँ रहें और लोगों के बीच में वहाँ की उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। मंत्री के तौर पर अभी हमारे अजय भट्ट जी भी केंद्रीय मंत्री वहाँ आए हैं, और जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनको भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि
क्यों निरंतर अब वहीं रहे। उत्तराखंड में पटवारी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इस मामले में एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में लोक सेवा आयोग में तैनात अनुभाग अधिकारी भी शामिल है। आरोप है कि अनुभाग अधिकारी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पेपर लीक कराया था। अभी 5 दिन पहले ही लोक सेवा आयोग ने पटवारी की परीक्षा कराई थी। और उधर पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पेपर लीक कराने वाले माफिया के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले रही है। प्रदेश के युवाओं से धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उनके पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको नहीं इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज हम लेने वाले भी हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हुई है, मगर ऐसे समय में मौसम खराब है जबकि जोशीमठ में राहत बचाव का काम चल रहा है। जनवरी महीने में पहाड़ों को जमा देने वाली ठंड हो रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में बर्फ गिरी है जिसके बाद मां गंगा का मंदिर सफेद नजर आ रहा है। उधर हर्षिल और झाला समेत कई जगह बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले में भी मौसम बदल गया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई जिससे निर्माण कार्यों पर असर पड़ा है। बद्रीनाथ धाम में भी कुदरत का मूड बदला है और बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में 4 इंच तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम और उसकी पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं। सुबह होते ही जैसे धूप निकली बद्रीनाथ का नजारा बेहद खूबसूरत लगने लगा। उधर बड़कोट में भी बर्फबारी देखने को मिली। यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों में कहीं बारिश तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से पारा गिर गया जिससे ठंड बढ़ गई। औली पहुंचने वाले सैलानियों की मुराद भी कुदरत ने पूरी कर दी है। बीती रात हुई बर्फबारी के बाद औली में 3 इंच तक बर्फ जम चुकी है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन, उत्तरकाशी से दिग्वीर, रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।